या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः ओम शैलपुत्राय नमः। नमस्कार, मैं हूं पंडित राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं टाइम महाराष्ट्र की विशेष प्रस्तुति एक नवरात्रा और एक नेता। आज हम तीसरे नेता की बात करेंगे जिन्होंने देश की राजनीति बदल कर रख दी, जिन्होंने देश के राजनीति के संबंधों को बदल के रख दिया, जिन्होंने राजनीति को एक नया चेहरा दिखाया। हो सकता है कि एक जमाने में कौटिल्य और चाणक्य जब ये राजनीति का इतिहास लिख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं एक नाम उन्होंने सोचा ना होगा, मगर इस वक्त वर्तमान परिस्थिति में वो नाम सबसे बड़ा नाम है हमारे देश के गृह मंत्री और हमारे देश के सबसे बड़े नेता। कभी कभी तो दिमाग में ये आता है कि पंत प्रधान ये है कि वो है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। उनका नाम है श्री अमित शाह। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देता हूँ और उनको प्रणाम करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने सनातन 370 काशी कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर और आगे आने वाले दिनों में सनातन और हिंदू धर्म को एक नई दिशा दी है, उसके कारण मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। मगर राजनीति और ज्योतिष अपनी जगह पर काम करते हैं। राजनीति में चाय वाला पीएम बनता है और रिक्शा वाला सीएम बनता है, और अमित शाह जिनको अहमदाबाद में बहुत सी समस्या आई, उन समस्याओं के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा। उनको इतनी समस्या आई, जेल तक जाना पड़ा, मर्डर के आरोप तक लगे, वो आदमी इस देश का आज सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, सबसे सुडौल व्यक्ति है। क्या है उनकी कुंडली में, चलिए देखते हैं। माता रानी के नवरात्रों में माँ की किस शक्ति से ओतप्रोत हैं अमित भाई। आइए आगे बढ़ते हुए उनकी कुंडली का विवरण करते हैं। 22/10/1964 शाम के समय उनका जन्म हुआ अहमदाबाद में और दिन था गुरुवार। देखिए, एक तो बाबा का दिन, भगवान कृष्ण का दिन, विष्णु हरि का दिन, और फिर मेष राशि, नितिन गडकरी की मेष राशि, समझे, मंगल मेष राशि का स्वामी, मोदी जी की मेष राशि वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, राहुल गांधी की वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, और इनकी राशि का स्वामी भी मंगल है। और अ के हिसाब से बाकायदा इनके माता पिता ने इनकी कुंडली इनके जन्म के समय पर पंडित जी को दिखाकर इनका नाम रखा हुआ है। भरणी नक्षत्र कृष्ण पक्ष की 2 तारीख, भरणी नक्षत्र में आदमी भरा बुरा रहता है, अपनी नीतियों क्रियाओं और अपनी कथनी और करनी को किसी को नहीं बताता, गंभीर परिस्थिति का व्यक्ति होता है। अब एक सवाल खड़ा होता है कि जब हम अमित भाई को देखते हैं, उनकी छवि को देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन को देखते हैं, तो क्या हम उनको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं कि ये आज क्या सोच रहे हैं? असंभव। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े फेस रीडर, बड़े बड़े मीडिया कर्मी फेल हो जाते हैं कि अमित भाई की दूसरी चाल क्या होगी। इसलिए ज्योतिष से बचकर आदमी नहीं जा सकता। यहाँ पर वो अपनी भाषा बोले या ना बोले, एक्शन करे ना करे, जेस्चर करे ना करे, फेशियल एक्सप्रेशन यूज करे ना करे, यहाँ पर सब कुछ सत्य हो जाता है। बार में घर में बैठा हुआ चंद्रमा मंगल की राशि में आदमी को धीर गंभीर तो बनाता ही है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि लगन में लग्नाधिपति इनका शुक्र है, लग्नाधिपति शुक्र है और शुक्र के घर में गुरु कुबेर लक्ष्मी योग का निर्माण करता है। 8वें घर में केतु और 32वें घर में राहु, शुक्र सूर्य की राशि में अंगारक, गुस्सा आए भी तो गुस्से निकालने के तरीके अलग, गुस्सा आया भी तो किसी को थप्पड़ मारकर गुस्सा नहीं निकालेंगे,
इस तरह गुस्सा निकालेंगे कि किसी को सामने को कानों कान खबर ना हो। मगर जब चंद्रमा की राशि में मंगल बैठा होता है तो एक बात मित्रों ध्यान रखना, आदमी भय से भरा हुआ होता है। उनके चेहरे पे भय दिखता है या नहीं दिखता है वो छोड़ दो, मगर कुंडली कहती है कि आदमी भय से भरा हुआ होता है। और भय बिन प्रीत ना होए, जितनी देर तक आप भयभीत नहीं है उतनी देर तक तो आप राजा भी नहीं बन सकते। अगर आपके अंदर भय ही नहीं है तो आप क्रिया कैसे करेंगे, भोंदू हो जाएंगे। इसलिए इनका भय इनकी सबसे बड़ी एसेट है। मगर अमित भाई की कुंडली के अगले पन्ने के ऊपर चलते हैं तो शुक्र की महादशा में इनका जन्म हुआ 22/10/1964, 9/2/1968 तक अच्छे घर में मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। 9/2/1968 से 8/2/1974 तक सूर्य की महादशा थी। शिक्षा में धीर गंभीर नहीं थे मगर पढ़ते थे औपचारिक तौर पर। एज ए स्टूडेंट ही वॉज ओके गोइंग टू द स्कूल एंड कमिंग बैक। देन चंद्रमा की महादशा लगी 8/2/1974, 9/2/1984 कुछ करने की ठान ली 1984 से पहले 19 बरस की आयु से। उससे पहले ही कोई ना कोई ऐसे कार्य इन्होंने कर दिए होंगे कि लोग इनको जानने लग गए होंगे, छोटी मोटे गली मोहल्ले के लोग। अब आप इनकी महादशा आई मंगल की। मंगल क्या है, अंगारक है, इनके इनकी राशि का स्वामी है। 1984 से लेके 1991 तक 26 वर्ष की आयु में अमित भाई ने की सही पर्सनैलिटी निकल कर बाहर आई। लोग बोलते हैं शनि क्रूर है, लोग बोलते हैं शनि गंभीर है, लोग बोलते हैं शनि न्यायाधीश है, सत्य बोलते हैं। और मैं शनि से प्रेरित इस कुंडली को, क्योंकि इनका शनि कुंभ राशि में बैठा हुआ है, मैं शनि की कैसे प्रेरित, इनका इनकी जिंदगी इनका जीवन शनि से प्रेरित है। इसलिए इन्होंने जीवन में जो भी किया धड़ल्ले से किया, भय बेशक रहा पर हृदय के ऊपर पत्थर रख के साहस से किया। इसलिए मैं अमित भाई आपको प्रणाम करता हूँ। मंगल की महादशा 1991 तक 26 बरस की लगी, मगर उसके बाद जो अमित भाई का चेहरा निखर कर आया वो देखने वाला था। तो अब बात करते हैं कि 1991 के बाद मंगल की महादशा के बाद क्या हुआ। राहु की महादशा लगी 9/2/1991 से राहु की महादशा लगी। कहते हैं कि राहु पहले 5 से 7 साल बहुत तकलीफ देता है। इस यही 5 से 7 साल थे जब अमित भाई को बहुत तकलीफ हुई, जेल तक जाना पड़ा, मर्डर तक का आरोप लगा, बहुत सी सामाजिक चिंताएं, बहुत सी सामाजिक चिंताओं के थ्रू उनको आगे आना पड़ा। मगर कहते हैं राहु पराक्रम का ग्रह है, इनकी कुंडली में राहु ही एक ग्रह है जिसने इनको राहु बनाया, जिसने इनको पुरुषार्थी बनाया। राहु ही एक ऐसा ग्रह है जिन्होंने इनको गृह मंत्री बनाया। राहु ही ऐसा ग्रह है जिसने इनको आदरणीय नरेंद्र मोदी का सबसे विश्वासु और सिपासलार बना दिया। धन स्थान में बैठा हुआ राहु मिथुन राशि में डेफिनेटली इनको एक ऐसा योद्धा बना देता है जिससे पूरा देश डरता है। इस बात में कोई दो राय नहीं। आज मुझे नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत को छोड़कर कोई ऐसा व्यक्ति है जो अमित भाई से भयभीत नहीं है। वो भयभीत क्यों है, क्योंकि ये आदमी सच्चा है, ये पराक्रमी है, राष्ट्र की सेवा करना जानता है। इसलिए राहु की महादशा 91 से लगी, 91 से 2009 तक। मैंने जैसे बोला एक जमाने में उद्धव ठाकरे की कुंडली में राहु की महादशा लगी थी, चिंताओं से ग्रसित हो गए, पिताजी की मृत्यु हो गई, बहुत सी तकलीफें आई, खुद बीमार हुए, स्टंट लगे। अब यहाँ पर राहु की महादशा में 91 से लेकर अगले 7 साल 8 साल इनके ऊपर भी बहुत तकलीफदायक रहे, मगर डरे नहीं, घबराए नहीं, आगे बढ़ते रहे। और फिर 2011-12 का एक ऐसा समय आया, 2014 में भारतीय जनता पार्टी अपनी परम चरम सीमा पर विजयी हुई। और 2014 से पहले अमित भाई शाह जो हैं वो आदरणीय नरेंद्र मोदी के सबसे क्लोजेस्ट विश्वासु आदमी बनकर उभरे। और 2014 में ही चाहे
बीजेपी के प्रधान नितिन गडकरी बने हो, चाहे राजनाथ सिंह बने हो, मगर सबसे सक्षम प्रधान अगर बीजेपी का कोई बना वो था अमित शाह, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी और राजनीति का चेहरा बदल कर रख दिया। चाहे वो 2019 में उद्धव ठाकरे के साथ सरकार बनाने की बात हो, चाहे किसी भी स्टेट में किसी भी सरकार को ध्वस्त करना हो, चाहे कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को हटाकर भारतीय जनता पार्टी को लाना हो, कहीं ना कहीं उनकी हर चाल कामयाब हुई क्योंकि भाग्य उनके साथ में था। 2009 से लेकर 2025 तक, क्योंकि 2009 में इनकी गुरु की महादशा शुरू हो गई, राहु की महादशा में चिंताएं आई इनको, 1991 से 2002 तक, 2005 तक तो इनको समस्याएं रही, मगर 2009 तक राहु की महादशा थी। गुरु की महादशा 2009 में शुरू हुई, गुरु इनका बहुत ही उज्जवल है। 2014 में वापिस ये सत्ता में आए, 2019 में वापिस सत्ता में आए और गृह मंत्री के होते होते 370 जैसा इतना बड़ा फैसला और बहुत से ऐसे फैसले जिनके लिए देश नहीं इतिहास इनको याद रखेगा। अब बात करते हैं 8/2/2025 तक इनके ऊपर जो गुरु की महादशा लगी है वो वापिस इनको विजयी कराएगी, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो कर्नाटका हो, या कहीं भी खड़े होंगे ये जीतेंगे। मगर सबसे बड़ी प्रबल बात तो ये है कि 2025 में इनको शनि की महादशा लगेगी। शनि की महादशा जब लगेगी 8/2/2025 में तो डेफिनेटली इनका चेहरा बदल जाएगा, इनकी चाल बदल जाएगी। ये 2027-28 में अगर कोई मोदी जी अपनी सीट किसी को देकर जाने में विचार करेंगे तो उसका नाम होगा अमित भाई शाह, याद रखिए मेरी बात। अगला प्रधानमंत्री अमित भाई शाह हो सकता है, इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। 19 साल की शनि की महादशा में अमित भाई इस देश की दिशा दशा, इस देश को एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल रिलीजियस प्लेटफॉर्म बनाकर छोड़ देंगे, याद रखिए मेरी बात। अमित भाई शाह को एक ही बात का ध्यान रखना है कि उनका स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा नहीं रहने वाला आगे आने वाले दिनों में। सूर्य उनके स्वास्थ्य में शुक्र की राशि में बुध के साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए उनको रक्त संचार और रक्त के साथ में संबंधित बीमारियों के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। 2019 में कोरोना हुआ था, एम्स में भर्ती हुए, ठीक हो गए, बहुत सी समस्याएं 2019-20 में कोरोना के समय उनके सेहत को लेकर हुई, मगर इस वक्त शनि की महादशा तक उनको ध्यान रखना है 25 तक। उसके बाद कोई चिंता की बात नहीं क्योंकि शनि तो उत्तम बैठा हुआ है, वर्ग उत्तम। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं कि कैरियर के घर में शनि बैठा हुआ अमित भाई शाह का, इनको उच्च पद प्रतिष्ठा देश नहीं विदेशों में भी बहुत नाम कमाने को मिलेगा। अमित भाई के लिए और देश की प्रगति के लिए हाथ जोड़कर माता के सामने प्रार्थना करता हूं। फिर मिलूंगा अगले एपिसोड में, तब तक देखते रहिए टाइम महाराष्ट्र। नमस्कार।